मूवी की शुरुआत होती है रीबी को दिखाते हुए, जो एक ऑयल पेंटिंग ट्रेडर होता है और वह अपनी वाइफ लूसिया और बच्चों से बहुत प्यार करता है। जहां एक दिन रीमी को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए उसे ऐसा लगता है कि वह सोफे के अंदर जा रहा है, जिससे वह घबरा कर खड़ा हो जाता है और उसे लगता है शायद यह उसका वहम है। और उस दिन के बाद उसके साथ ऐसा ही बार बार हो रहा होता है, जहां सोफा पर बैठे बैठे वह फिर से अंदर की तरफ जाने लगता है, यहां तक कि वह सोते सोते बेड में डूबने लगता है। लेकिन वह जल्दी से अपने आप को बाहर की तरफ खींच लेता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, और वह इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है। जहां एक दिन रीमी अपने स्टूडियो में अपने बच्चों के साथ होता है, जहां वह स्टूडियो से जाते वक्त नल बंद करना भूल जाता है, जिसके कारण उसका स्टूडियो पानी से भर जाता है और उसकी एक छोटी सी गलती उसके सालों की मेहनत को बर्बाद कर देती है, जिसे देखकर रीमी काफ़ी दुखी होता है। जिसके बाद वह अपनी अच्छी पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश करता है और उन्हें लेकर बाहर की ओर निकल रहा होता है, लेकिन एक बार वह फिर से फ्लोर के अंदर जाने लगता है और पानी में डूब जाता है। इस बार वह खुद को बचाने में नाकामयाब हो जाता है और वह किसी और ही जगह पानी से बाहर निकलता है, जो एक तालाब की तरह दिख रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे यह कोई और ही दुनिया हो, क्योंकि इस दुनिया में तीन सूरज होते हैं। जहां जल्दी ही एक कबीले का ग्रुप उसे नोटिस करता है और वह लोग वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद उसे ढूंढते हुए दो लोग आते हैं। यह देखकर रीमी पीछे की तरफ भागता है, जहां वह फिर से पानी में खींच लिया जाता है और वह अपने स्टूडियो में निकलता है, जहां उसका एक साथी उसे पानी से बाहर निकाल रहा होता है। और रीमी समझ जाता है कि उसने जो देखा वह उसका सपना नहीं बल्कि हकीकत था। जिसके बाद वह घर पर अपनी वाइफ लूसिया को सारी बात बताता है, लेकिन लूसिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वह तो खुद अपने ही ख्यालों में खोई होती है, क्योंकि लूसिया को किसी और से प्यार हो गया होता है और वह कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस होता है, जिसका नाम डॉक्टर कैलर होता है। और लूसिया रेमी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वह अपनी शादी को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि अब वह अपनी शादी से ज़्यादा अपनी खुशी को चाहती है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है। और रीमी ये बात सुनकर शॉक रह जाता है, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता था। पहले तो उसका स्टूडियो बर्बाद हो गया, अब उसकी वाइफ भी उसे छोड़ने की बात कह रही थी। जहां रीमी इससे पहले कुछ समझने की कोशिश करता है, लेकिन लूसिया को तो इतनी जल्दी होती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड को भी पहले ही घर ले आती है उससे मिलाने और कहती है यही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। जहाँ रीमी भी बेशर्मी के साथ उससे हाथ मिलाता है और कहता है तुम दोनों को जो करना है वो करो। जहां वे दोनों उससे वादा करते हैं कि कुछ दिनों के बाद वे यहां से चले जाएंगे। जिसके बाद रीमी अपनी फैमिली के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जहां वे सभी उसकी बात को सुनते हैं। लेकिन अचानक से वहां उसके कजन के आ जाने के कारण उसका ध्यान रीमी से हट जाता है और उस पर चला जाता है। और यह देख कर रीमी काफी दुखी होता है कि उसकी फैमिली बुरे वक्त में भी उसके साथ नहीं है, यहाँ तक कि उसके फैमिली वाले भी उसकी जिंदगी को झंडी समझते हैं। और रीमी बहाना बनाकर किचन चला जाता है, जहां वह कॉफी का जग लिए कॉफी का कप ढूंढ रहा होता है, जहां उसके साथ एक और अजीब सी घटना होती है, जहां एक बिल्ली छलांग मारती है और वह हवा में ही लटक जाती है। जहां रीमी उसे उठाकर किसी खिलौने की तरह खेलने लगता है, यहां तक कि उसके हाथ से गलती से प्लेट गिरने पर भी वह हवा में ही रुक जाती है। और रीमी ध्यान देता है कि उसके लिए समय रुक चुका है और एक बार फिर से वह फर्श पर किसी दलदल की तरह डूबने लगता है और वह हेल्प के लिए चिल्लाता है। जहां हम देखते हैं वह किसी दूसरी दुनिया में खींचा चला जा रहा है, और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह एक जंगल के बीचों बीच होता है और कॉफी का जग अभी भी उसके हाथों में ही होता है। और वह चलते चलते एक कबीले के पास पहुंचता है, जहां कुछ लोग मीट काट रहे होते हैं और वह उनसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझता। लेकिन उन लोगों की हरकत को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह उसे भी मारकर खा जाएंगे, इसलिए रीमी अपनी जान बचाते हुए वहां से भागता है। जहां वह भागते भागते एक छोटे से कस्बे में पहुंचता है और रीमी एक गुफा में चला जाता है, जो उसे सीधा अपने घर पर लाकर गिरा देता है और वह किचन में धड़ाम से गिर जाता है
और उसकी फैमिली उसकी आवाज़ सुनकर वहां आ जाती है और देखती है कि किचन का काफी बुरा हाल पड़ा है, जहां रेमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता। और इतना सब होने के कारण और एक दिन में इतना सारा कुछ देखने के कारण वह बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें डॉक्टर के पास खुलती हैं, जहां वह डॉक्टर से इन सभी चीज़ों के बारे में पूछता है। लेकिन डॉक्टर भी उसे कुछ खास नहीं बता पाती क्योंकि उसके हिसाब से सारी चीज़ें नॉर्मल थी। जिसके अगले दिन रेमी स्टूडियो जाता है, जहां उसका लैंडलॉर्ड, इंश्योरेंस एजेंट और उसका कस्टमर आया होता है और वे सभी अपने अपने पेमेंट रेमी से मांग रहे होते हैं। लेकिन अचानक से सभी कोई एक जगह पर किसी स्टैचू की तरह रुक जाते हैं, जिसके बाद रेमी फिर से फर्श के अंदर चला जाता है, जहां वह फिर से दूसरी दुनिया में आ जाता है। और यह तीसरी बार था जहां वह एक बास्केट से निकलता है जो पेड़ के ऊपर रखा होता है, जहां हर कोई उसे देखकर खुश हो रहा होता है और तालियां बजा रहा होता है, जहां हर कोई उसे कूदने के लिए कह रहा होता है और यह देखकर रेमी कूद पड़ता है। लेकिन रेमी बुरी तरह से अपने मुंह के बल गिरता है, जहां रेमी को उनकी एक भी बात समझ नहीं आ रही होती और उन लोगों को भी रेमी की बात। तभी उन लोगों में से एक आदमी उसे एक फल खिला देता है, जिससे उसे सारी बातें वहां की समझ आने लगती है, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं होता। जहां उस कबीले का लीडर सभी को रेमी के यहाँ आने की वजह बताता है और वे रेमी को एक आदमखोर दानव के बारे में बताते हैं, जिसका नाम जॉर्डन होता है, जिसकी वजह से उनका कबीला काफ़ी दहशत में होता है और उनके गांव के तांत्रिक द्वारा जादूगर के एक प्राचीन किताब में इसका समाधान मिलता है, जहां उस किताब में लिखा होता है कि इस मुसीबत से उन्हें किसी दूसरे दुनिया का इंसान ही बचाएगा। वे लोग कई हफ्तों से इस रिचुअल को कर रहे होते हैं ताकि उनके हीरो को इस दुनिया में ला सके, और यही कारण था कि रेमी के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं, क्योंकि वह कबीले को बचाने वाला योद्धा है, जहां रेमी कहता है कि वह कोई योद्धा नहीं है और वह उनकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन कबीले वाले भी कम बदमाश नहीं थे, वह उसे उल्टा लटका कर उससे फिर से एक बार पूछते हैं, जिसके बाद क्या था, रेमी उनकी मदद करने के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद वह आराम करने के लिए एक कमरे में चला जाता है, जिसके बाद उसे भूख लगती है और जैसे ही वह तरबूज लेता है उसी वक्त वह अपनी दुनिया में वापस लौट आता है और उसके हाथ में तरबूज भी होता है। और इस बार वह अपने साथ होने वाली इस घटना को किसी को भी नहीं बताता क्योंकि वैसे भी उसका कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वह लाइब्रेरी जाता है अपने साथ होने वाली इस घटनाओं का समाधान ढूंढने के लिए। यहाँ तक कि उसे इंटरनेट में भी इसका कोई सलूशन नहीं मिलता, इसलिए वह घर जाकर खूब एक्सरसाइज करता है और प्रोटीन पीता है ताकि वह घोड़े की ताकत और चीते सी फुर्ती अपने शरीर में ला सके, ताकि वह आदमखोर मॉन्स्टर से लड़ सके। अगले दिन हम उसे नई दुनिया में देखते हैं, जहां कबीले वाले उसे एक तलवार देते हैं जिससे उसकी हिम्मत बढ़ती है, जहां कबीले वाले उससे पूछते हैं कि वह कैसे उस मॉन्स्टर को मारेगा, जहां रेमी सबसे पहले उन्हें गाँव से दूर जाने को कहता है और एक नया गांव बसाने को कहता है। लेकिन कबीले वाले कहते हैं कि जो भी इस गांव के सरहद को पार करता है वह मारा जाता है, जहां रेमी खुद उस बॉर्डर को पार करके उन्हें गलत साबित कर देता है और कहता है कि कोई भी नहीं मरेगा। और यह देखकर कबीलों वालों की भी हिम्मत बढ़ती है और वे लोग उस गांव को छोड़कर जाने को तैयार हो जाते हैं। कई घंटों तक लगातार चलने के बाद भी उन्हें रहने लायक कोई भी जगह नहीं मिलती, लेकिन वहां पर दो सैनिक आ जाते हैं जो जॉर्डन आदमखोर के होते हैं, जहां वे लोग कबीले वालों को वापस गांव लौटने को कहते हैं, जहां रेमी अपने अजीबोगरीब लड़ने के तरीके से उन्हें चौंका देता है और उनमें से एक सैनिक को मार गिरा देता है। यह देखकर दूसरा सैनिक वहां से 9-2-11 हो जाता है, यानी कि भाग जाता है। और सब कुछ शांत होने के बाद कबीले वाले उस सैनिक की डेड बॉडी को ले जाने लगते हैं, क्योंकि वे लोग उस सैनिक की डेड बॉडी को काट कर और पका कर खाने वाले थे, जो कि रेमी को काफी बुरा लगता है। और वह उन्हें रोकने जाता है और कहता है कि
हम ऐसा नहीं कर सकते। जहां कबीले वाले भी अपने हीरो को नाखुश करना नहीं चाहते थे, इसलिए वह उसकी बात मान लेते हैं। जहां कुछ देर बाद कबीले वालों के यहां हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि जॉर्डन उन पर अटैक करने का प्लान बना रहा है और हो सकता है यहां युद्ध छिड़ जाए। जहां रेमी जब अपनी दुनिया में वापस लौटता है तो वह युद्ध से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ता है और उनमें से कुछ लड़ने के तरीके और सेना को लीड करने की किताबें पढ़ता है और वह भी युद्ध के प्लानिंग करने में लग जाता है। जहां रेमी सभी को मोटिवेट स्पीच देता है जो लोगों में जोश भर देती है और वह लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं खुद के लिए। और एक दिन रेमी कबीले की लड़कियों के साथ रहने का सोचता है, जहां वे सारी लड़कियां भी उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन रेमी का दिल अभी भी अपनी वाइफ के लिए धड़क रहा होता है और वह उन सारी लड़कियों को मना कर देता है, यह कहकर कि वह किसी और से प्यार करता है। जिसके बाद वहां से रेमी अपने घर वापस लौट आता है और अपने बेटे से मिलता है, जिसके बाद वह फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और वह उसी बास्केट से बाहर निकलता है, जहां वह एक रेगिस्तान के जंग के बीचों बीच होता है, जहां वह कबीले वाले काफी बुरी तरीके से हार रहे होते हैं। जहां रेमी उन्हें भागने के लिए कहता है और उनकी जगह वह खुद जाने के लिए कहता है और वे सभी उसकी बात मानते हैं। जहां रेमी उन्हें अपना प्लान समझा रहा होता है और कहता है अब हमारी बारी है उन्हें मारने की, जिसके बाद वह दुश्मन के इलाके में पहुंच जाता है और उनमें से एक सैनिक को वह काफी मारता है और उसकी बेइज्जती करता है, जिसके कारण उसके पीछे पूरी फौज पड़ जाती है उसे मारने। और यही तो रेमी की चाल होती है कि वह किसी तरह से फौज को एक जगह फंसा दे और वह खुद एक पेड़ के तने में छुप जाता है, जिसके बाद वह कबीले वाले उन पर ऊंचाई से तीर कमान से अटैक कर देते हैं, जिसमें आधा से ज्यादा दुश्मन सैनिक मारे जाते हैं और जो सैनिक बचते हैं वह डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। जहां अब कबीले वालों को भी पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि रेमी ही उनका हीरो है। जहां युद्ध के बाद उन्हें एक हरा भरा जमीन मिलता है जो उपजाऊ होता है और वे लोग वहीं बसने का फैसला करते हैं और रेमी वहां का राजा बनता है। वह अपनी दुनिया का नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्हें एक अच्छी संस्कृति और एक अच्छा जीवन देता है और वे लोग धीरे धीरे मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां अब कबीले वाले उसे भगवान की तरह पूजने लगते हैं। जहां रेमी को भी अब यहां रहते हुए काफी वक्त हो चुका होता है और वह अपनी फेवरेट दासी की एक मोनालिसा स्टाइल में पेंटिंग बनाता है। जहां अब 6 महीने गुजर चुके होते हैं और वह अपनी दुनिया में वापस आ चुका होता है। राजा बनने के कारण उसकी सोच में काफी बदलाव भी आ चुका होता है। जहां वह पहले अपने वाइफ के बॉयफ्रेंड से डरता था, लेकिन अब उसके व्यवहार में बदलाव होने के कारण वह उसे अपना दुश्मन समझने लगता है। जहां उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जहां रेमी बहस के बीच में हाथापाई पर उतर आता है और यह देखकर लुसिया का बॉयफ्रेंड डर के मारे वहां से भाग जाता है। रेमी फिर से अपनी नई दुनिया में जाता है और इसी तरह काफी समय गुजारता है। जहां रेमी अब काफी एरोगेंट भी हो चुका होता है, वह अपने लोगों के साथ किसी नौकर की तरह व्यवहार करता है और काफी घमंडी हो चुका होता है। जहां कुछ महीनों तक तो कबीले वाले उसकी हर बात को आंख बंद करके मान रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके खिलाफ विद्रोह बढ़ते जाते हैं और कुछ समय बीतने के बाद रेमी विद्रोहियों से बात करने जाता है, जहां वे बताते हैं कि उनसे ज्यादा काम कराया जाता है और बहुत कम तनख्वाह भी दी जाती है। और गांव वालों का कहना होता है कि हमें महल नहीं चाहिए, बल्कि हमें खाने की सुविधा और रहने की सुविधा चाहिए, जिस पर रेमी उनके साथ समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता और विद्रोह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वे लोग रेमी को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रेमी उसी वक्त अपनी दुनिया में लौट जाता है, जहां रेमी अपने पुराने दोस्त से मिलता है और वह अपने पुराने स्टूडियो को दोबारा खोलने में उसकी मदद मांगता है। और वह पहले की तरह नरम स्वभाव का भी हो चुका होता है, क्योंकि वह राजा बनने के कारण काफी घमंडी हो गया था। जहां वह एक नए रिलेशनशिप में भी आ चुका होता है, जो उसकी एक क्लाइंट होती है जिसका नाम डेल्फी होता है, और वे लोग एक डेट पर जाने वाले होते हैं, जहां डेल्फी उसे किस करती है और रेमी बेहोश हो जाता है और वह फिर से दूसरी
दुनिया में पहुंच जाता है और वह फिर से उसी टोकरी से बाहर निकलता है, क्योंकि कबीलों वालों ने उसे फिर से बुलाया था, जहां वे लोग उसे बार बार कह रहे होते हैं कि उसे आदमखोर जॉर्डन को मारना ही होगा ताकि लिखे हुए भविष्यवाणी को पूरा किया जा सके। लेकिन रेमी इन सब चीजों में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन गाँव वाले जबरदस्ती उसे गुफा में भेज देते हैं, जहाँ उसका सामना उसी आदमखोर दानव से होता है, जहाँ रेमी को वहाँ एक बड़ा भाला मिलता है और वह यूं ही उसे उठाकर उसकी ओर फेंक देता है। लेकिन लक बाय चांस उसका निशाना उस मॉन्स्टर के सीने पर लग जाता है और वह वहीं मर जाता है। और जब कबीले वाले यह देखते हैं कि वह मॉन्स्टर मर चुका है, तो वे रेमी के लिए चीयर्स करते हैं, जहां तांत्रिक कहता है कि अब हम रिचुअल के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जहां उनका मानना होता है कि उन्हें रेमी को मारकर खाना होगा। यह सुनते ही रेमी अपनी जान बचाते हुए वहां से भागता है और वह तांत्रिक उस लकड़ी के किताब को जला देता है ताकि रेमी अपनी दुनिया में वापस ना जा सके, और कबीले वाले उसे पकड़ लेते हैं, जहां कबीले की महिलाएं उसे मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वे लोग उस बुक को पानी में फेंक कर बुझा देते हैं और रेमी भी अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, जहां वह हॉस्पिटल में होता है, जहां हॉस्पिटल के बाहर लूसिया और डेल्फी भी होते हैं और उन दोनों की मुलाकात होती है, जहां डेल्फी डिसाइड करती है कि उसे अब उसकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए, जहां लूसिया और रेमी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं वे लोग एक दूसरे को चाहकर भी नहीं भूल सकते। और रेमी कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, इसलिए मैंने उसे लात मारकर तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। वहीं दूसरी दुनिया में कबीले वाले रेमी के स्टैचू को बनाते हैं, जहां लूसिया और रेमी एक बीच पर होते हैं और वे लोग अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे होते हैं और अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं। जहां मूवी के आखिरी सीन में रेमी न्यूज देख रहा होता है, जहां उसे बताया जा रहा होता है कि एक पुरानी सभ्यता के बारे में पता चली है और उन्हें वहां से रेमी के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग भी मिलती है, जहां वैज्ञानिक कह रहे होते हैं शायद यह किसी 10 साल के छोटे डिमेंची ने बनाई है, क्योंकि यह बिल्कुल मोनालिसा की तरह दिख रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।